हमारे साथ बिहार कोचा धाम के विधायक इजहार असफी साहब हैं जो उत्तर प्रदेश आए हैं AIMIM। देखिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो यूपी का कैंडिडेट का पहला राउंड का जो कैंडिडेट फिक्स किए हैं जिसमें देवबंद से मौलाना उमेर साहब को टिकट मिली है। साहब जो है मौलाना महमूद बदनी माना जाता है कि आपके मुखालिफ हैं और आप जो है आपने उन्हीं के परिवार से जो है उमेर बदनी को टिकट दिया है, कितना कामयाबी मान। अच्छा कौन आपको बताया कि मौलाना महमूद साहब हमारे मुखालिफ हैं, जरा सा मैं जानना चाहता हूँ। यंग ग्रुप जितने लोग हैं लगभग लोग चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों सब लोगों में एक उमंग आया है कि आप ओवैसी साहब के कैंडिडेट को वोट दें पतंग साहब पर और उसको जिताएं। ओवैसी साहब पर हमला हुआ था, कुदरत को बचाना था, अल्लाह को बचाना था और कैसे कैसे बचाए हैं वो आपके सामने में है। आपकी पार्टी पर बार बार इल्ज़ाम लगता है जो बिहार में भी लगा, देश के अलग अलग कोने पे लगा और उत्तर प्रदेश में भी लग रहा है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने जाते हैं। ये बात सिर्फ कहने का है। अभी बिहार में ही इलेक्शन हुआ है, बिहार में हमने जहाँ पर भी हराया तो वो भाजपा गठबंधन को हराया और वहाँ पर एक बात आ रही थी बिहार में भी चंद लोग मुट्ठी भर लोग ये बात कहने लग रहे थे कि AIM के वजह से ही लालू यादव का या महागठबंधन का सरकार नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूँ कि 19 में से कितने लोगों को हम लोग बीजेपी को हराए, बीजेपी गठबंधन को हराए और कितने महागठबंधन को हराए। हमारे साथ बिहार कोचा धाम के विधायक इजहार असफी साहब हैं जो उत्तर प्रदेश आए हैं AIMIM के लिए और लगातार जो है AIMIM उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रही है। माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत रंग लाएगी और उसी के लिए अब बिहार से भी जो है AIMIM के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हैं कैंपेनिंग के लिए। इजहार साहब क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश आए हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं कल से यहाँ पर हैं? देखिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो यूपी का कैंडिडेट का पहला राउंड का जो कैंडिडेट फिक्स किए हैं जिसमें देवबंद से मौलाना उमेर साहब को टिकट मिली है, जिम्मेदारी मिली है और यहाँ के जो नौजवानों को देखते हैं मैं कल से ही देख रहा हूँ लोगों को कि तमाम नौजवान लोग एकजुट हो रहे हैं। किसी के घर से पुराना ख्यालात का अगर आदमी थे उसके बाप दादा उसको भी वहाँ के बच्चों ने नौजवानों ने अपने गार्जियन को संभाल करके अवैसी साहब के बारे में बोल करके AIMIM की तरफ कन्वर्ट करा रहा है। बदनी साहब जो है मौलाना महमूद बदनी माना जाता है कि आपके मुखालिफ हैं और आप जो है आपने उन्हीं के परिवार से जो है उमेर बदनी को टिकट दिया है, कितना कामयाबी मान। अच्छा कौन आपको बताया कि मौलाना महमूद साहब हमारे मुखालिफ हैं, जरा सा मैं जानना चाहता हूँ। ये अफवाहों की बाज़ार को उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि अफवाहों की बाज़ार गर्म ना करें तो अच्छा है। क्या समर्थन मिल रहा है? हमने मेरा कहाँ अगेंस्ट किया है, वो उनके उनके घर से कैंडिडेट जो दिया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं जैसे आप भी कह रहे हैं कि मौलाना महमूद बदनी साहब आपके सपोर्ट में नहीं है या ख़िलाफ़ हैं, तो ज़रा सा मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ पर वो ख़िलाफ़ किए हैं। मीडिया में ये बात चलती नहीं, बात चलने से वो मुराद नहीं है। आप कहाँ बताएं और किसको बताएं हुए कि मौलाना उमेर के सपोर्ट में तुम लोग मत रहो, मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूँ। अच्छा आप जो है आवाम के बीच जा रहे हैं दो दिन से, तो किस तरह का माहौल आपको मिल रहा है? बिल्कुल यंग ग्रुप जितने लोग हैं लगभग लोग चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों सब लोगों में एक उमंग आया है कि आप ओवैसी साहब के कैंडिडेट को वोट दें पतंग साहब पर और उसको जिताएं। अच्छा अभी ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ था उस पर आप क्या समझते हैं? देखिए ओवैसी साहब पर हमला हुआ था, कुदरत को बचाना था, अल्लाह को बचाना था और कैसे कैसे बचाए हैं वो आपके सामने में है और फिर पकड़े भी गए हैं, खुदा न खास्ता अगर पकड़े नहीं जाते वो तो यहाँ के जो सियासी लोग हैं कहते कि भाई ये अपने से करवाए हैं, कह भी रहे थे लेकिन अल्लाह का शान है, अल्लाह का शुक्र है कि जो वो काम किए हैं वो खुद से अपना अपना बयान दे रहे हैं। अच्छा आपने जो
बिहार में कमाल किया था, 19 में से 5 जीते थे, तो क्या ये उत्तर प्रदेश में भी होगा? यकीनन होगा। अब हिंदुस्तान ही में पूरा छाएंगे अवैसी साहब, ये बात जानिए, आज नहीं तो कल हम यहाँ पर बहुत मजबूती से आएंगे और सब पर यकीन, सबका यकीन, सबका विश्वास अपने ऊपर पर लेकर के लोग अवैसी साहब को और अवैसी साहब के कैंडिडेट को वोट दे के जिताएंगे। आपकी पार्टी पर बार बार इल्ज़ाम लगता है, जो बिहार में भी लगा, देश के अलग अलग कोने पे लगा और उत्तर प्रदेश में भी लग रहा है, कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने जाते हैं। ये बात सिर्फ कहने का है। अभी बिहार में ही इलेक्शन हुआ है, बिहार में हमने जहाँ पर भी हराया तो वो भाजपा गठबंधन को हराया। और वहाँ पर एक बात आ रही थी, बिहार में भी चंद लोग, मुट्ठी भर लोग ये बात कहने लग रहे थे कि एआईएम के वजह से ही लालू यादव का या महागठबंधन का सरकार नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूँ कि 19 में से कितने लोगों को हम लोग बीजेपी को हराया, बीजेपी गठबंधन को हराया, और कितने महागठबंधन को हराया? लगभग लोग जो हमसे हारे हैं वो बीजेपी और जदयू के लोग थे। आप वहाँ से विधायक बने खोजा हम से, आप आवाम के बीच गए, तो आपने बीजेपी का जो टैग जो है लोगों से कैसे ख़त्म किया, कैसे जो उनको जो है अपनी तरफ किया? देखिए, मैं जब से जीता तब से किसी के बारे में टिप्पणी करना छोड़ दिया। मैं सिर्फ अपना काम करते रहा, लोगों का टाइम टू टाइम मदद करने का काम किया, अफसरों से हमने लोगों का हक दिलाने का काम किया। मुझे फुर्सत कहाँ, अपना काम से मुझे फुर्सत नहीं, दूसरे के बारे में क्या बोलूं? जिसको जो होता है वो करता है, हम अपना काम करते चलते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अच्छा, अभी तक जो है बिहार में आपकी पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या मुद्दे उठाए हैं? देखिए, बिहार में 74 साल में कई बार कई लोग विधायक बने, इस 13 महीना में जितना काम हमने किया है उतना 74 साल के विधायक उस 13 महीने में इतना काम नहीं किए हैं। लोग ये बोलते हैं, हमारा भी डाटा बोलता है, हम भी नेट उठा के देखते हैं कि हमने 74-75 साल में जो 13 महीना में काम हमने किया, इतने में काम कोई नहीं किया। जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की आवाम देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस उत्तर प्रदेश के आवाम को ही पैगाम देना चाहते हैं कि भाई अवैसी साहब के कैंडिडेट को वोट दे के जिताएँ और हम लोगों को खिदमत करने का मौका दें। AIMIM कोचा धाम के विधायक थे, जो अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि 13 महीनों के अंदर हमने बिहार में बहुत सारा काम किया है, उसी काम के बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में भी लोगों को बताएंगे और वोट मांगेंगे। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में AIMIM कितनी मजबूत होगी, कितनी सीटें निकालेगी? अपनी कीमती राय ज़रूर दें।